नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले एक बड़ी खबर से आपका मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूं। और बड़ी खबर यह आ रही है सियासी गलियारे से, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव कल सुबह 10 बजे बीजेपी में शामिल होंगी। सीएम योगी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगी अपर्णा यादव। अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बकायदा ये पूछा गया था कि अटकलें लग रही हैं कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ज्वाइन कर सकती है बीजेपी, तो उन्होंने कहा था कि ये परिवार का मामला है और परिवार में सब कुछ ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये खबर साफ तौर पर दिखा रही है कि समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी ने दो मंत्रियों को बीजेपी से छीना और यहाँ अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव कल बीजेपी में शामिल होंगी। चुनाव है और इन चुनावों में कुछ भी हो सकता है। मास्टर स्ट्रोक में अब कवर स्टोरी आपके सामने रखने जा रही हूं। पंजाब की पॉलिटिकल नब्स टटोलने की कोशिश करूंगी, जहां आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अब पंजाब में सीएम की कुर्सी के दो चेहरे पक्के हो गए हैं, एक तो भगवंत और दूसरे अकाली दल के सुखबीर बादल। अब सस्पेंस बचा है तो कांग्रेस के खेमे में, जहां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच उम्मीदवारी का मैच दिख रहा है। अब जबकि सभी प्रमुख पार्टियों के पत्ते खुल गए हैं, तो कांग्रेस पर भी अपने सीएम उम्मीदवार के नाम के ऐलान का प्रेशर तो बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस इतना आसानी से इसका जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि अमरिंदर सिंह की बगावत से उभरी कांग्रेस फिर किसी तरह का बगावत या फिर किसी तरीके के दलदल के बीच फंसना नहीं चाहती है। क्योंकि नाम घोषित करते ही पार्टी में सिद्धू बनाम चन्नी की जंग शुरू हो जाएगी। चन्नी अनुसूचित जाति से है, जिनका पंजाब में 32% वोट है। सिद्धू जाट सिख है, जिनका पंजाब में 28% वोट है। नाम का ऐलान होने से वोटों के बंटवारे का खतरा है। टिकट बंटवारे को लेकर दोनों ही गुट हावी होने की एक दूसरे पर कोशिश करेंगे। इस खतरे से निपटने के लिए कांग्रेस बगैर चेहरे के भी चुनाव में उतर सकती है। लेकिन भगवंत मान ने अपने नाम का ऐलान होते ही एबीपी न्यूज से सबसे पहले कांग्रेस उम्मीदवार का ही नाम पूछा। सवाल यह है कि चेहरों के ऐलान से पंजाब के चुनावी मौसम पर असर क्या पड़ेगा, इसका पूर्वानुमान आप देखिए हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, जो मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी भी है। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए, और इस तरह आम आदमी पार्टी की कॉल और मिस कॉल की मिस्ट्री से पर्दा उठा। हालांकि क्लाइमैक्स में ट्विस्ट और टर्न बिल्कुल नहीं था। तीन दिन तक चले फोन इन प्रोग्राम का रिजल्ट अनाउंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित किया और फिर ढोल नगाड़े के साथ जश्न भी शुरू हो गया। औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए नाम के सम्मान से मान स्टेज पर ही कुछ देर के लिए इमोशनल भी हुए। हालांकि जल्द ही उन्होंने इमोशन पर काबू पाया और इलेक्शन मोड में लौटे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आज मेरे ते पार्टी ने दिती है, प्लस जिहड़ा लखां लोकां ने मेरे ते विश्वास किया, सो मेरी डबल जिम्मेवारी बन गई ते मैं डबल हौसले नाल काम करूंगा। वैसे तो मान के नाम का ऐलान फोन पर जनता की राय से हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ मान को मैदान में उतारा है। तभी तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भगवंत का मान बढ़ाने में पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने ये वीडियो मान का कद बढ़ाने के लिए तैयार किया, लेकिन विरोधियों को इससे ही आम आदमी पार्टी पर प्रहार का मौका मिल गया। कांग्रेस ने इसे महिला विरोधी बताने में देर नहीं की। कांग्रेस ने इस वीडियो में विद्या बालन के पोर्ट्रेल पर एतराज जताया है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने ट्विटर पर लिखा, उनकी इस हरकत पर कोई आश्चर्य नहीं है, उनके पास दिल्ली में एक भी महिला नेता और मंत्री नहीं, महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ ना करें। इस वीडियो के जवाब में कांग्रेस की पंजाब इकाई ने भी एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें भगवंत मान को शराबी बताया गया था। हालांकि पार्टी ने बाद में ये वीडियो डिलीट कर दिया।
आम आदमी पार्टी के सेनापति बनकर मान के मैदान में उतरते ही सोशल मीडिया पर ही सियासी पारा नहीं चढ़ा बल्कि जुबानी तीरों की बारिश भी तेज हो गई। मान कांग्रेस से उनके सेनापति का नाम पूछकर बाउंसर फेंक रहे हैं तो कांग्रेस के क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। वो कांग्रेस अक्सर कहती थी कौन है कौन है कौन है, हमने तो बता दिया, अब ये बता दें कौन है। को जे लड़ा मिल गया ते ब्याह करना या नहीं है पंजाब दे लोग फैसला करनगे, हजे बड़ी दिल्ली दूर है, लेकिन ये है कि जे लड़ा मिलिया ते बधाई है। जुबानी जंग का ये पहलू तो चुनावी है लेकिन मान की मुश्किल उन पर लगा वो दाग है जो उनके सेनापति बनने के बाद विरोधियों के लिए और चमकदार हो गया है। मान के नाम का ऐलान होते ही सुखबीर बादल ने शराब पीने को लेकर भगवंत मान पर लगे आरोपों को फिर उछाला। भगवंत मान एक वो इंसान है जिन्हें अपनी मां दी झूठी सौं खाधी, पूरे पंजाब सामने अपने मां दे सिर ते हाथ रख के सौं खाधी कि मैं अज तो शराब छड्डूंगा, उस दिन दे तीन दिन बाद फिर तो शराब पी बैठा है, अज बच्चा बच्चा जानदा अज तक वो शराब पी रहा है। भगवंत मान पर शराब पीने का आरोप पुराना है लेकिन राजनीति में जैसे ही उनकी चमक बढ़ी विरोधी उसे शराब के ग्रहण से फीका करने में जुटे हैं। कांग्रेस ने भगवंत मान का एक पुराना वीडियो ट्वीट कर हमला बोला। ट्विटर पर यह वीडियो कांग्रेस नेता राधिका खरे ने ट्वीट किया। इस वीडियो में भगवंत मान कुछ अजीबोगरीब ढंग से खाना खाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ ही राधिका ने लिखा, ये शराबी भगवंत मान है जो अरविंद केजरीवाल और पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा है। शराब को लेकर भगवंत मान पर आरोप पुराना है, इसे लेकर लोकसभा तक में विवाद हो चुका है, इसलिए भगवंत मान को भी एहसास था कि उनके नाम का ऐलान होते ही ये विवाद जरूर सिर उठाएगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। वैसे और कुछ उनके मेरे खिलाफ उनको मिलता नहीं है, ना तो कोई करप्शन का के, ना कोई ऐसा कुछ के मेरे घर पे ईडी आए या मेरे घर पे कोई छापे बड़े, ये बातें बनाकर पिछले 11 साल से बोल रहे हैं, ये कौन सा आज से बोल रहे हैं, तो मतलब सब पता है लोगों को कि ये बदनाम कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ पर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम लोगों की सेवा में पहले भी था, आज भी हूँ और लगा रहूँगा। भगवंत मान भले ही सफाई दे रहे हैं लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त अभियान चला रही है। कांग्रेस पार्टी पंजाबी में आप दा सीएम शराबी यानी आम आदमी पार्टी का सीएम शराबी है इस हैशटैग को ट्रेंड करा रही है। इसके साथ ही भगवंत मान के तमाम पुराने वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि वो नशे में हैं। देखना यह होगा कि भगवंत मान पर व्यक्तिगत हमला करने की कांग्रेस की रणनीति कितनी कामयाब होती है। भगवंत मान की शराब की लत को काफ़ी विवादित इस पर हो चुका है मामला, ये विवादित है भी, संसद में इसे लेकर हंगामा हो चुका है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर कई बार आई है। इसके बाद 2019 में नए साल के मौके पर भगवंत मान ने एक रेजोल्यूशन लिया, रेजोल्यूशन इस बात का कि वो कभी शराब नहीं पियेंगे, और इसका ऐलान उन्होंने रैली में किया जिसमें उन्होंने ये भी माना कि उन्हें शराब पीने की लत है और फिर ये वादा किया कि अब वो शराब नहीं पिएंगे। मैं एक गल थोड़े सामने मानता, मैं भी पींदा सी, कदे कदे पी लेता सी, पर मेरी मां इत्थे आई है, मेरी मां इत्थे, अगली मां बैठी है, हुण मेरा तन मन धन सारा पंजाब वास्ते है, हुण तुसी ये सोच लियो कि हुण जे भगवंत मान की मेरी पुरानी वीडियो कट के चलाओगे तां तुसी कह सकदे हो यार साडे सामने वादा कीता, अपनी मां दे सामने वादा कीता। मान को ये वादा तब करना पड़ा जब संसद में उनकी शराब पीने की आदत पर हंगामा हुआ, यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मान की इस आदत को लेकर सदन में ही तंज कस दिया। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जब तक जियो मौज करो, जियो जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और जी पियो,
उस जमाने में संस्कार थे, ले घी कहाँ भाई भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते। हालांकि प्रधानमंत्री के इस तंज पर आज जब एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इसे राजनीतिक बताकर टाल दिया। मान साहब, आप आज अपने करियर को पीछे पलट कर देख रहे होंगे, पार्लियामेंट में आपके शराब पीने को लेकर प्रधानमंत्री तक ने कई बार चुटकी ली, आपके साथियों ने ये तक कह दिया कि जी हमें बदबू आती है, आज उस चीज पर मलाल होता है? नहीं, देखो विपक्ष में जो राजनीति है उसमें आलोचना होती है। अन्ना जी ने कहा अपमान पीना सीखो, ये बातें बनाकर पिछले 11 साल से बोल रहे हैं, ये कौन सा आज से बोल रहे हैं? ठीक है ना, 4.5 साल तो वो मेरे साथ बैठते रहे, जब इलेक्शन के समय आया तो कहते जी हमें तो ये स्मेल आती है, रहती है, 4.5 साल क्यों नहीं आई, उसके बाद भी मेरे साथ बैठते रहे। भगवंत मान कभी कॉमेडियन हुआ करते थे, बाद में वो राजनीति में आए, लेकिन एक नेता के तौर पर उन्हें पहचान आम आदमी पार्टी में मिली, अब पार्टी ने उन्हें सीएम का चेहरा बना दिया है। इसके साथ ही अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से मान चेहरा बन गए हैं और अकाली दल के सुखबीर बादल हैं, लेकिन कांग्रेस में चन्नी और सिद्धू को लेकर पेच अब तक फंसा हुआ है। देखिए, पंजाब की राजनीति का पारा आज दोपहर बाद भगवंत मान के नाम के ऐलान को लेकर चढ़ा और जब केजरीवाल ने उनके नाम का ऐलान किया और चढ़ गया, लेकिन उससे पहले ही पंजाब में चुनावी पारा प्रवर्तन निदेशालय के छापे को लेकर छिड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब में 11 जगहों पर छापा मारा। ये छापेमारी अवैध बालू खनन मामले में की गई। छापेमारी भूपिंदर सिंह हानी के घर पर हुई, जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हैं। ईडी ने अवैध बालू खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज भी किया है। इस रेड के बाद पंजाब की सियासत में जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं, परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं, हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री का रिश्तेदार गैर कानूनी माइनिंग का काम क्यों कर रहा था, ये तो सवाल हो सकता है, लेकिन ये तो सवाल ही गलत होगा कि ईडी जो है मुख्यमंत्री के या रिश्तेदार हो या उसका दोस्त हो या कोई भी जो गलत काम करे उस पर छापा क्यों मारे, ये तो सवाल ही गलत होगा। जो भी गलत करेगा वो गलत कामों के दायरे में आता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। और 2018 में जब ये केस शुरू हुआ था, अगर आपके संज्ञान में हो, तो कैबिनेट में बहुत शोर मचा था, लड़ाई हुई थी और ये कहा गया था कि चन्नी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो तब चन्नी जी ने ये भी कहा था कि मैं गुरुद्वारे कसम खा लेता हूँ मेरे रिश्तेदार नहीं है, तो अब तो सारी बातें सामने आ जाएंगी और अगर गलत कुछ किया ही नहीं तो डर काएगा। पंजाब की पॉलिटिकल नर्व्स आपके सामने रख दी हमने, अब उत्तराखंड के सियासी पारे को नापने की जरूरत है, जहां हरक सिंह रावत के आंसुओं पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आज हरक सिंह रावत हमारे स्पेशल शो घोषणा पत्र में फिर रोए, उनके आंसू बीजेपी की गाड़ी से उतारे जाने के गम में बह रहे हैं या फिर कांग्रेस के खेमे में एंट्री पाने के लिए, ये इमोशनल कार्ड, इसका फैसला होना भी बाकी है। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त सड़क पर खड़े हरक सिंह रावत को कांग्रेस की लिफ्ट की सख्त इस वक्त दरकार है। उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुलना अभी तो आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि रावत के रास्ते में कांग्रेस के कद्दावर रावत खड़े हैं। रावत वर्सेस रावत की लड़ाई की इनसाइड स्टोरी हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, विपक्ष के नेता का, परिवारी का, हरीश साहब के बहुत नजदीकी लोगों का, सबके उस पार्टी टेलीफोन आया, उनसे बातचीत हुई है। हरीश साहब का अगर पार्टी से भी हटकर देखा जाए तो उनका प्रभाव, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड की राजनीति में उत्तराखंड के लोगों ने हमें मौका दिया। हरक सिंह रावत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो घोषणा पत्र में एक बार फिर उनके आंसू छलके। उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड की राजनीति में उत्तराखंड के लोगों ने हमें मौका दिया, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन जुनून था, जुनून है कि जब तक सांसें हैं
जब तक यीशु ने ये जीवन दिया है, हम क्या कुछ कर सकते हैं इस सोसाइटी को, इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस आंसू की वजह है एन चुनाव के वक्त सिर से सियासी छत हट जाना। बीजेपी ने उन्हें अपनी गाड़ी से उतार दिया। उत्तराखंड की राजनीति में सरकार गिराने और बनाने की हैसियत रखने वाले हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में एंट्री के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। हरीश साउथ के भी बहुत नजदीकी लोगों का, सबके मुझको आज टेलीफोन आया, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया है कि बड़ा स्वागत किया है और उन्हें कहा हम बातचीत कर रहे हैं। अब आज जाके बातचीत हुई है और वो अब मुझे बताएंगे कि जो भी उनका निर्णय होगा, जो भी वो करेंगे। हरक सिंह रावत भले ही बिना मोह माया के कांग्रेस के सिपाही बनने की कसम खा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दरवाजे पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको मैं जानकारी देना चाहती हूं कि INS रणवीर पर एक ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ है और ये बताया जा रहा है कि कई हमारे सैनिक जख्मी हुए हैं। मुंबई में INS रणवीर में ये धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। 3 9 सैनिक जो हैं वो धमाके में शहीद हो गए हैं। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज, जानकारी क्या आ रही है? देखिए रूपिका, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो INS रणवीर वॉशिप है, ये फोर्स है भारतीय नौसेना का, ये मुंबई पोर्ट पर था, ये अभी एक्सरसाइज करने के बाद लौटा था। ये आज इसमें जो है एक एक्सप्लोजन हुआ, इंटरनल कंपार्टमेंट में इसके एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें 3 जो नौसैनिक थे जो घायल हुए उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये जानकारी बताई गई है नौसेना की तरफ से, लेकिन ये किस तरह का ब्लास्ट था ये इसके बारे में जानकारी नहीं बताई गई है कि आखिरकार ये ब्लास्ट क्या किस कारण से हुआ था। इसके लिए नौसेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी कि जांच कमेटी बैठाती है जो इस बात की जांच करेगी कि आखिरकार ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी घटना है जिसमें 3 नौसैनिकों की जान चली गई है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और नौसैनिक जो है घायल भी हुए हैं इस घटना में। ये एक एक्सीडेंट हो सकता है? बिल्कुल रूबिका, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। कई बार देखा गया है कि इस तरह के जो युद्धपोत होते हैं, जो जहाज होते हैं, उसमें इस तरह से इंटरनल ब्लास्ट होते हैं, बॉयलर भी एक्सप्लोजन होते हैं जिसके कारण ब्लास्ट होते हैं, जिसके कारण भी नौसैनिकों की जान जा सकती है। लेकिन अभी ये कारण किस वजह से हुआ, ये बॉयलर है या कोई और कारण है, क्योंकि इंटरनल कंपार्टमेंट में बताया गया है कि ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये भी जानकारी दी गई है कि इन 3 नौसैनिकों की जो जान गई है, इसके अलावा जो बाकी जहाज में, जो क्योंकि बड़ा ये युद्धपोत है INS रणवीर, इसमें और जो है डैमेज ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनल कंपार्टमेंट में हुआ है, ये जानकारी नौसेना की तरफ से दी गई है और बताया गया है कि ये जांच करने के लिए पता किया जा रहा है कि आखिरकार कारण क्या है इस एक्सीडेंट का। खबर ये भी थी कि INS रणवीर जो है अपने बेस की तरफ निकल रहा था या पहुंचने को था तब ये धमाका हुआ है। बिल्कुल, ये एक्सरसाइज करने के बाद, ये वैसे ये पूर्वी कमान में तैनात रहता है INS रणवीर, लेकिन इन दिनों ये क्रॉस एक्सचेंज में एक्सरसाइज के लिए ये पश्चिमी कोस्ट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे आया था, मुंबई में जहां पर हेडक्वार्टर है वेस्टर्न नेवल कमांड का, वहां पर ये एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचा था। उसी दौरान ही हार्बर में बताया गया है कि ये ब्लास्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत, मेरे सहयोगी इस वक्त ये बता रहे हैं कि अभी जो है धमाके के कारणों की जांच हो रही है, कमेटी जो है वो बिठा दी गई है, ये कमेटी जांच करेगी। ये इंटरनली जो है जांच का विषय है कि आखिर हुआ क्या है। मुंबई में INS रणवीर में ये धमाका हुआ है, बताया ये जा रहा है कि 3 जो नौसैनिक हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं, बाकी कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो नीरज आप मौजूद हैं, नीरज ठीक है, नीरज मुझे ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल आपको वहां से ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल रही है? अब इसका, अब ये दोबारा बेस की तरफ लौटने वाला है या कहीं और इसे अब भेजा जाएगा, और बाकी जो उस पर नौ सैनिक हमारे तैनात हैं उनका किस तरीके का अब आगे का रूट रहेगा? आज रूपिका, जो जानकारी दी गई है नौसेना की तरफ से कि ये हार्बर में ही था ये INS रणवीर जब ये ब्लास्ट हुआ, इसमें इंटरनल कंपार्टमेंट इसका एक अंदर की तरफ कंपार्टमेंट, क्योंकि बड़ा, बहुत बड़ा शिप है ये INS रणवीर जहां पर इसमें ब्लास्ट हुआ है। तो बाकी जो जानकारी दी गई है कि जब तक की जांच पूरी नहीं जाएगी तब तक तो ये हार्बर में ही रहेगा, और ये भी बताया गया है कि जो डैमेज जो हुआ है इस पूरे जहाज से वो सिर्फ जहां पर ब्लास्ट हुआ कंपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी युद्धपोत के अंदर बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट होते हैं जहां पर नौसैनिक काम करते हैं, जहां उसका इंजन रूम होता है, जहां बॉयलर्स होते हैं उनके, तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है ये बताया गया है। बाकी डैमेज जो है और जहाज को नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है कि इंटरनल कोई इसमें कारण रहा है जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन फिर भी नौसेना की तरफ से जो आधिकारिक तौर से जानकारी दी गई है
ये बताया गया है कि इसकी जांच के लिए कि ब्लास्ट किन कारणों से हुआ है वो इसके लिए कमेटी बिठाई गई है जो पता करेगी कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है इसमें और भी नौसैनिक जो है घायल हुए हैं और उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नीरज राजपूत को। इस वक्त आप सुन रहे थे खबर आ रही है लुधियाना में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 6 करोड़ रुपए बरामद किए हैं नकद। ये रुपए सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकाने से बरामद हुए हैं, जबकि 2 करोड़ उनके करीबी संदीप कपूर के ठिकाने से मिले हैं। तस्वीरें भी ये आपके सामने है, ये देखिए नोटों की गड्डी, 500 रुपए की ये नोटों की गड्डी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। यही गड्डियां जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मिली है। जानकारी ये मिल रही है कि सीएम चन्नी के जो रिश्तेदार हैं उनके यहां से ये बरामदगी हुई है। लुधियाना में ईडी ने ये 6 करोड़ कैश बरामद किया है। भूपेंद्र सिंह हनी के घर से कुछ पैसा बरामद हुआ है और 2 करोड़ उनके करीबी संदीप कपूर के ठिकाने से मिले हैं। और अब जरा बात मास्टर स्ट्रोक में हम उन नेताओं की कर ले जो कोरोना फैला रहे हैं। 8 जनवरी को जब चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों की घोषणा की थी तो ये साफ साफ कहा गया था कि कोई रैली, जुलूस, भीड़ या जमावड़ा नहीं होगा। लेकिन जो मान जाए वो नेता कहाँ और काहे का? चुनावी मौसम में भला नेता भीड़ से दूर रहेंगे, कैसे हो सकता है? पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन का दौर चल रहा है, प्रचार भी खूब हो रहा है, भले ही डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति हो लेकिन नेता खूब भीड़ लेकर अपने साथ चल रहे हैं। प्रचार से लेकर नामांकन तक भीड़ ही भीड़ दिख रही है, मास्क नदारद है। जब भीड़ साथ चल रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए ना। 23 जनवरी को चुनाव आयोग की रैलियों और भीड़ वाली पाबंदी खत्म होने को है और इसीलिए सवाल ये उठता है जब अभी ये हाल है तो 23 तारीख के बाद नेताओं की लापरवाही से कोरोना और ज्यादा नहीं फैलेगा? पिछले 24 घंटे में 2,38,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं और देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 17,36,000 से ज्यादा हो गई है। लेकिन नेताओं को इन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस अपने वोटों से मतलब है। इसीलिए तो चुनाव आयोग के साफ निर्देशों के बाद भी लगातार नेता और भीड़ जुटा रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। पंजाब में जैसे ही आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के मुख्यमंत्री होने का ऐलान किया तुरंत जश्न भी शुरू हो गया। लेकिन जोश जोश में समर्थक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये भूल गए कि कोरोना काल है। बिना मास्क लगाए ही नारे लगाए जा रहे थे, लड्डू भी बांटे गए, ढोल नगाड़े बज रहे थे। कम से कम 50 लोग रहे होंगे लेकिन मास्क सिर्फ 1-2 के चेहरे पर थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अभी नोएडा में FIR हुई थी लेकिन अब उन्होंने मथुरा में कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा ही प्रचार किया है। यहां भी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। जिस गली में भूपेश बघेल खड़े हैं वो लोगों से खचाखच भरी है। हालांकि ज्यादातर के चेहरे पर मास्क दिख रहा है लेकिन भीड़ अच्छी खासी है। पहली नजर में आपको ये लग सकता है कि ये तस्वीरें पुरानी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की सख्ती में ऐसी रैली कहां हो सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आज का वीडियो है। ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की तस्वीरें हैं जहां BSP की प्रत्याशी नीतू मिश्रा की रैली चल रही है। सामने हजारों लोगों की भीड़ है, मंच सजा हुआ है, मंच पर नेताजी का भाषण चल रहा है और मास्क किसी ने नहीं पहना। यानी कुल मिलाकर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव की तस्वीरें हैं और जो नेताजी फूलों की माला पहने हुए प्रचार कर रहे हैं ये BSP के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बिना अनुमति के भीड़ जुटाई और जुलूस निकाला। समर्थकों की जमकर भीड़ थी
और कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं कर रहा था। अब निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में नेताजी को नोटिस भेज दिया। ये गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, जो पर्चा दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। साथ में कुछ समर्थक भी थे। कैमरा देखते ही फोटो खिंचवाने के लिए मास्क उतार दिया और बिना मास्क के ही नामांकन करने दाखिल हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया। ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। ये समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा हैं, जिन्होंने लखनऊ में इस बाइक रैली का आयोजन किया था। हालांकि ये एक टीवी कार्यक्रम था, लेकिन इसमें कोरोना प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। अब कार्रवाई हुई है और अभिषेक मिश्रा और समर्थकों पर FIR दर्ज हुई है। ये यूपी के अमरोहा की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने प्रत्याशी बनने के बाद जुलूस निकाला। इसमें भारी तादाद में बीजेपी नेता के समर्थक थे। भारी भीड़ थी, लेकिन कोई भी मास्क में नहीं दिख रहा था। आचार संहिता के साथ साथ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। इसी वीडियो को रीट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए और यह आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब अमरोहा प्रशासन ने विधायक जी और समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। पर सवाल यह है कि नेता डर क्यों नहीं रहे? चुनाव आयोग FIR तो दर्ज करवा रहा है, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही, तो कहीं इसी वजह से तो नेता बेखौफ नहीं है? और अब बात करते हैं कोरोना के इलाज की। सही सुन रहे हैं आप, कोरोना के इलाज की। पिछले एक साल से कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन कोरोना का इलाज नहीं है, ये हम सब जानते हैं। असल में अभी तक कोरोना का इलाज मिला ही नहीं है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का इलाज हिमालय की पहाड़ियों में मिलने वाले एक पेड़ में है। हमारी अगली खबर बहुत दिलचस्प है, ध्यान से देखिए। जिस कोरोना ने दुनिया में 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमार किया, 55 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, उस कोरोना का अब तक कोई इलाज नहीं मिला है। ये बात सही है कि पिछले एक साल में दुनिया ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन जरूर पाई है, लेकिन क्या ये कोरोना का इलाज है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी कोरोना हुआ है जिन्हें वैक्सीन लग चुकी थी। ये बात सही है कि वैक्सीन लगने से कोरोना की भयावहता कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन क्या वैक्सीन ही कोरोना का इलाज है? बिल्कुल नहीं, लेकिन जल्द ही कोरोना की ऐसी दवा आ सकती है जो कि कोरोना मरीजों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगी। IIT मंडी और ICGEB के रिसर्चर ने एक पेड़ में कोरोना का इलाज खोजा है। ये पेड़ हिमालय की पहाड़ियों पर मिलता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग इस पेड़ को बुरांज के नाम से जानते हैं, लेकिन इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। दावा है कि ये पेड़ कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। इसके फूलों की पंखुड़ियों में मौजूद फाइटोकेमिकल नामक पदार्थ कोरोना को मल्टीप्लाई होने से रोकता है। इस केमिकल में कुछ ऐसे एंटीवायरल गुण होते हैं जिसके चलते वायरस इनके सामने टिक नहीं पाता। बुरांज का पौधा ज्यादातर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में पाया जाता है। उत्तराखंड में तो बुरांज का जूस भी निकाला जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। IIT मंडी की प्रोफेसर डॉक्टर श्याम कुमार मसकपल्ली के अनुसार, बुरांज के फाइटोकेमिकल एक ऐसे एंजाइम से जुड़ जाते हैं जो वायरस को अपना डुप्लीकेट बनाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के कारण वायरस हमारी बॉडी के सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाता और संक्रमण का खतरा टल जाता है। बुरांज उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी है। मार्च अप्रैल के महीने में इस पर लाल फूल खिलते हैं। ये भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, नेपाल में भी पाया जाता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि बुरांज के पेड़ से कोरोना का इलाज संभव हो पाएगा। उनकी टीम हिमालय में मिलने वाले और भी औषधीय पौधों में कोरोना का इलाज ढूंढ रही है।
और हम उम्मीद करते हैं कि इलाज मिले इस पौधे से मिले। ABP News आपको रखे आगे।